सारी बाणा ने राम राम। और एक कहानी बताऊंगा दहेज का लालची। कहानी पसंद आओ सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। एक परिवार में एक कमला नाम की औरत रहा करती, और उसके साथ उसको एक बेटो था, उसको पति था। तो वहाँ बहनी चाहा करती कि मेरे बेटे की मैं शादी करूँगी तो अच्छे और दहेज लूँगी बहुत सार, और मतलब सपना था उसका, सपना था गाड़ी गुड्डी लूँगी रक्षा। तो उस बेटे ने जो वो काम कराया कर तो नहीं जिद उससे जगह एक मतलब काम कराया करती ऑफिस में एक लड़की, उसके साथ शादी कर ली। वह गरीब थी बिल्कुल, गरीब थी हाँ, बस वह लाग रही थी छोटी मोटी नौकरी पर। वह ये देख ले और परिवार में उसका यह कौन थी, वही अच्छी पैसा वाली पार्टी कौन थी। तो वो उसने लेके एक दिन आ गया घर ने। घर ना आए तो माँ ने बोलियो, माँ बोली बेटा यह कौन है? बोलिया यह माँ आपकी बहू से। हाँ तो देखी न सत्यानाश जाते रहो, मेरा तो कितना सपना था सारा गया नहीं हुई, सारा सपना हाँ सारा सपना मेट दिया। मेरा तो ये था कि मैं तो अच्छा सारा दहेज लूँगी, अच्छी गाड़ी लूँगी, सारा सपना खराब कर दिया एक मामूली लड़की का गल शादी करके आ गया। तो फिर बोले माँ दहेज दहेज की किम्मत वो कोनी, लड़की बढ़िया है। बोले ना उसने बोले माँ का पैर छू या मेरी माँ से पैरा का नीचा लीजिए नहीं बोली ना रहने देख के मैं जरूरत को नहीं, मेरा मच्छी है हाँ मेरे लवाण की जरूरत को नहीं और ना मेरे यो पसंद, मतलब मैं मेरे पसंद की लड़की साथ शादी करूँ मेरे बेटा की। तो वह रहेगी फिर दोनों बतलाया आपका पति ने जाके बोली देखो जी के कर लियो बेटे ने, मैं तो इसी लड़की ले आवा है अपना पसंद की बनूँ सारो धन दे अपन या ऊँ ले आयो। तो वो पति बोले भगवान आप आई बहू ने इतना परेशान करांगा कि अपने आप घर छोड़ के चली जाएगी, आप घर छोड़ के चली जाएगी और फिर अपना आपा अपने बेटे ने अपने मनपसंद की लड़की के साथ शादी करांगा जो अच्छो सारो दहेज लेके आवा गणो ही। तो फिर बोले ठीक से दोनों बतलाया दोनों राजी हो गया आगे पछनी करांगा सही सतावांगा ना जी आप चली जाएंगे हाँ गल जी। तो फिर वह अगले दिन आई उठकिन बहू ने सतान का चक्कर में आई थी वह तो कुछ ना कुछ उसने काम बतावन आई थी। तो बहू अपने रूम की सफाई कर करा के कपड़ा उपड़ा जचान लाग रही, उसमें एक फोटो लगा रखी उसने आपका बाप की फोटो फ्रेम में और वह धरी फोटो के एक बड़ी बड़ी मूछ काला कपड़ा कंधा पर बंदूक और नीचे लिख रखे हो डाकू मंगल सिंह। तो देख के नवा सास बोली बहू ये किसकी फोटो है? बोली माँ जी यह तो मेरे पिताजी की फोटो से है। तो पिताजी की फोटो? बोली हाँ न्यूकन दिए बहू का तो बस दूजनी छुट गई आ गया तो डाकू हाँ सासू का दूजनी छुट गई आ गया तो डाकू की बेटी से ये मान के कर दुखी करा बाजी बाजी गई हूँ का दौरा आपका पति दौरा। बोली सुना है जी? बोली हाँ। बोले अपनी बहू तो मंगल सिंह डाकू की बेटी है इब के कहना अपना तो अच्छी अफत काली गल में छोरा ने इब उन दुखी भी को नहीं कर सका। तो वो बोलियो ससुरो बोलियो बहू को भाग्यवान न्यू करिए आप बहू ने दुखी मत करिए और इसका आगा आगा काम करिए, मतलब इसने आराम आराम करण दिए इसने काम की मत कहिए ना। डाकू मंगल सिंह तो इतना खतरनाक आदमी से वो न्यू गिनती है को नहीं करें अक्के आदमी मारा है दिन में गिने कम सर मारा ज़्यादा है। दोनों का डर चढ़ गयो चढ़ा दियो हाँ जोर को डर चढ़ गयो दोनों का चढ़ गयो। तो फिर अपना बहू अपना सासू अपना आप आगा आगे काम करे बहू का और किमें कह को नहीं उसने खानो लागी बनान जाके किचन में। तो बहू ने सोची रसोई में आवाज़ आवाज है भाई मम्मी करती होगी किम काम में जाके करवा दी मैं करवा दी मदद कर दी हाँ मदद कर दी। तो जाके देखने लग गई तो बोली मम्मी जी आप खाना क्यों बना रहे हो मैं बना दूँगी। बोली ना ना बहू तू दुखी हो जाएगी तू आराम कर ले मैं आपको बना दूंगी खानो तन के चाहिए वो बता ते पसंद को खानो बनाऊंगी। तो बहू चली गई बोलना मम्मी मैं बनवा दी बोलना
तेरे पसीना आ जाएगा, तू खाट पर जा सो, आराम कर ले, बेड पे बैठ जाके माप बना लूँगी, माप बना लूँगी। तब खानो बना दियो, आगा आगे बर्तन साफ कर दिया, खानो पकड़ा के आवे, जूठा धर दे जी, वो बर्तन ठा ले आवे, वो बहु स्वादी बड के ऊपर कर दी, आप पकड़ लगी आप करे सारो डरती न्यू डरती करे। मंगल सिंह की बेटी है अन्ना, पहली नहीं बोली का परेशानी इतनी करांगा या बात जागी छोड़ के घर आपका, दोनों बतलाया था न्यू। तो फिर एक दिन छकली वो बोर होगी पड़ी पड़ी हूँ, तो वह खराब थोड़ी थी बहू, बहू तो शरीफ थी। फिर उसका पसंद कौन थी, गरीब थी जब। फिर वह सोची मम्मी सारा दिन काम का लग ही रह लिया, रेत रेत गंद हो रहे हो फरस है, आप पोचो पाचो मार दियो इसके ऊपर। बहू खड़ी हो किनारे पोचो मारन लगी, इतना ससुरो आ गया, ससुरो आ गया तो बाजे तावड़ो से, बहू के कर है तू पोचो लिया, बहू तो बेटी समान हो से, बहू कन बेटी कन के काम कराया करे, तू तो तुम्हारी बेटी से जा आराम कर ले, पसी ना आ जाएगा मैं मार लूँगा पोचो। लेकिन वो आप मारन लग गए पोचो, पाछ यू बोलो कैसे बहू फिर चली गई। एक दो बार तो कही पापा मैं मार लूँगी, बोले ना मैं मार लूँगा तू जा, बताऊँ को नहीं डर रहा था, हाँ नहीं बताऊँ को नहीं, हम तेरे बाप तो डर रहा था, चला गया चला हुआ। फिर एक दिन अगले दिन फिर सासू बोली बेटी बता ते के चीज पसंद से तेरा, वाह बनाऊँगा तेरे खातर, वाह ले आऊँगा। ससुरो भी खड़े नहीं कती सावधान, बता बेटी के चाहिए तन, के खाया तेरे कौन सी चीज पसंद से। बोली मेरे तो काजू कतली पसंद से। तो उस टाइम तो वह कम कह दे, वह उसने लिया के दी यार पावर, हाँ तो वह सासू मार हूँ ससुरा का कौन ही जा बाजार में बाजू बाजू जा फट दे और ले किया इब की इनकी भी लिया, हाँ मंगावनी पड़ेगी लिया, काजू कतली बाजार तो लेनी पड़ेगी एन खुआन खातर। तो वो गए काजू कतली लेके आयो, तो वह जो भी वह बहू चीज मांगे वह चीज वह लिया के दी, दोनों भाजम बाजे हो रहा। फिर एक दिन उसको बाप भाई से आ गयो घर ने चंचक एकदम देख के ना, वो मूछ माछ ला रहे हो और कंध है पर बंदूक टांग रहे हो, वह उषा कपड़ा उषा की उसी फोटो थी उठे, उस श्यामी देखती है दोनों दूसर लग गया। अब ये तो आपको बाप भी आ गया, जरा आप तो बहू की इतनी सेवा करने लग रहे हैं, दुखी भी कोई करा कहीं भी कहीं भी कोई रवन नहीं उठ रहे, जया के मैं बता देगी ना मड़ी सी भी बात है, तो ये तो मार देगा आप, हाँ तो देख के ना वह दूजे दो डाकू बोलिया कि नहीं समझी जी राम राम, बोले राम 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 आवा दूजा हाँ। फिर बोले के बात समझी जी किस तरह खर घबरास हो रही है जडो जड़ रहे हो, तबीयत तो ठीक से तेरी, बोले ईब लग तो ठीक थी और ईब बिगड़ जाए तो मेरे को नहीं, लग तो ठीक के थी, देखी वो डर रहा अच्छा डर रहा। तो फिर बोले हाँ किस तरह आणु डरता डरता तो बुद्ध जी कहते बहू ने कैमरा पोट ला दी हो इसका अग, हाँ बोले समझी जी किस तरह आणु हो गयो। बोले पूरा आए थो सर मैं मंडली आई थी मारी प्रोग्राम थो मंडली को, और जब मैं तो उरा आ गयो थो फिर मन सोची ले बेटी को ससुराल भी देख तो जा चाल तो चाल, तो जब मैं उरा आ गयो तो फिर वह सासू के मन में फिर होगी नहीं थोड़ी थोड़ी, तो मंडली में डाकू को मंडली में के काम, मंडली में काम करया करे डाकू के काम करे। तो फिर बोलियो मंडली वासु बोलियो मंडली मंडली में काम करया करे। तो फिर वह इतने वह बहू आ गई, तो वह बहू बोली हाँ माँ जी मेरे पिताजी नाटक मंडली है और उसमें डाकू मंगल सिंह को रोल करया करे, और रोल भी इतना बढ़िया करे से कि बहुत बढ़िया सेम न्यू लागा कि जो डाकू मंगल सिंह है। फिर उनका थोड़ा चांदनू सो हो गया मन में, हाँ ये तो डाकू तो कोई नहीं, तुम किस तरह सताइयो बहू ने। तो बोले अच्छो रोल करे है, तो बोले बहू तन पहले ना बताई लगे। फिर नहीं बोले मम्मी आपने मुक्को कौन दियो नहीं बुझण को, मन मेरे कन कदे बुझिए को नहीं आपने, आग भाई तेरे बाप के करे है के ना करे है बिना बुझे मैं के बताऊँ। तो उसने वो मूछ ला रहे तो वह मूछ काट दी, नकली मूछ ला रहे तो डाकू की, हाँ वो डाकू की मूछ काट दी। बोले मैं तो देख मूछ मास तार के नर, बोले मैं तो मंडली में काम करूँ हूँ नाटक में। फिर बोले वो ससुरा फिर भी वह बंदूक दिखाई, तो ना थोड़ी घबराहट है, बोले ये बंदूक रे
बोले या तो अच्छा लाल है नकली और इस तो मन बोले कोई चिड़िया भी नहीं मारी है कर दी पोरी। हाँ तो फिर दोनों कनी होगी शांति वो सुसरो करे खोद खोद दो पाउडर लकड़ी चुईया डर मर गया बहू का आगे काम कर करके ने और सासू के मन तो कितना रुपया बर्बाद कर दिया इसकी सेवा कर करके न कड़बी अकड़गी काम करती करती आगे आगे बांधी के डाल नौकरानी की डाला बहू का आगे आगे काम करो जब क्या कन करूँ आवा जो बहू ने बोलिया किस तन पहली क्यों ना बताई बोल पहली मैं रखन के तमने बुझी थी बता। हाँ जो उस जब वह सीधा रहा तो डर का आग गया तो युवा भूत भी नाचन लग गया। हाँ, भूत भी नाचन लग गया है डर का आग गया। हाँ और उस टाइम वह बहू अच्छी थी वह गरीब की थी जो वह बहू नाची कौन लग गई थी नाची को लगा थी ना सारी तो धन डाले खुआ दियो मेवा खुआ दी डरता रहा सारी वाणा ने राम राम कहानी पसंद आई हो सब्सक्राइब करियो कॉमेंट।